दोस्तों, इस वीडियो में हम CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन करेंगे और मैं आपको सब बताऊंगा और करवाऊंगा। और अगर आपको इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और इसकी फ़ाइल चाहिए हो तो वो भी मेरे से इंस्टाग्राम पर मांग सकते हैं। और गाइस, मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर जो प्रोग्राम है वो आपका रन करके दिखाऊँगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए और आप लोग बिल्कुल सही तरीके से इसको चला सकें। आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो मेरे से इंस्टाग्राम पर फाइल ले सकते हैं। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी असाइनमेंट है वो मेरे सामने ओपन। आपने सबसे पहले ऊपर बेसिक सेंटेक्स लिखना है, उसके बाद इंट मेन के अंदर आप लोगों ने जो है ये वेरिएबल डिक्लेयर करने है, कार नेम के नाम से, कार वेंडर, कार ओनर के नाम से। उसके बाद सी आउट करना है, उसके बाद कार नेम लेना है, कार मॉडल लेना है और बाकी भी एज इट इज़ आप लोगों ने ऐसे ही लेना है। और एंड में जो हम लोग चीज़ें लेंगे यूज़र से, वो सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करवा दी। और यही थी आपकी यहाँ बेसिकली आपके असाइनमेंट में यही कुछ है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं समझा रहा, बस ताकि आप लोग इसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपने समझ नहीं है, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से ज़रूर पूछ लेगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये एग्जीक्यूट है, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया इसको, एक दफ़ा मैं दोबारा करता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो गाइस आप देख सकते हैं ये पॉपअप मेरे सामने हो चुका है। मैं अपनी गाड़ी का नाम बताऊंगा, BMW। गाड़ी का मॉडल है 16, कार वेंडर है समझो BMW, और गाड़ी जो है वो 1200 हॉर्स पावर की है, 1200 हॉर्स पावर, और कार की प्राइस है 400, और आईडी जो है ओनर की है वो है 5। और बूम गाइस, आप देख सकते हैं द स्टोर्ड व्हीकल इंफॉर्मेशन इज़, जो भी मैंने लिखा था वो सारा का सारा प्रिंट हो चुका है। और यही थी बेसिकली आपकी असाइनमेंट। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। फाइल चाहिए हो तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।